मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। मैडम आप क्या, ये कहाँ चली गई? ये क्या हुआ वहाँ पर? सर हर तरफ ना गंदगी फैली हुई है। सुनिए, 122 नंबर वाली लड़की का नाम और एड्रेस है ना अपने पास? जमीन आसमान समुद्र जहाँ से भी हो इस लड़की को ढूंढ के निकालो। अगर उन्हें मेरी आवाज पसंद आई और आके पाखी के पैर भी पकड़ेंगे ना तब भी मैं हाँ नहीं बोलूंगी। कुछ भी हो ये लड़की को ढूंढ के निकालो। क्या जरूरत थी उस कपाड़िया को वो आवाज सुनाने की? अगर नहीं बुलाती नहीं सुनाती तो मैं इस फिल्म से रिप्लेस हो जाती और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैंने अपना काम कर दिया, अब इस लड़की को ढूंढना तुम्हारा काम है। तुम नताशा मैडम का कुछ पता ठिकाना दे सकती हो मुझे? गोल्डन टावर लोखंड वाला। मैम एक्चुअली ना मैं आपके पीए की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। नताशा की पीए बनना इट्स नॉट इजी, कर पाओगी तुम? तुम्हारे बाप का रोड नहीं है ये। बाप पे नहीं जाना बता रही हूँ, नहीं तो तेरा पूरा खानदान बिगाड़ दूंगी मैं। अगर मैंने नताशा मैम की हेल्प कर दी और उनको इस रायते से बचा लिया तो नौकरी तो देंगी ही देंगी और थैंक यू बोलेंगी वो अलग से। सोच के देखिए, करोड़ों की पॉपुलेशन में बस एक लड़के से टकराई, नौकरी के लिए इतना झूठ बोला, इतना नाटक किया और उसे फंसा तक दिया। पर वो लड़का निकला कौन? पाका पोता। ये मजाक नहीं तो और क्या है अंकल? अब तो बस बाबा ही मदद कर सकते हैं मेरी। मुझे तो लग रहा है ना कुछ गड़बड़ है। रुको, अरे हेलो भैया। आखिर तुम कहाँ गई? माफ कर दो माजी, माजी मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था माजी, माफ कर दो माजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। तेरा बैग। बाप, इस लड़की ने जान पे खेल के आपको बचाया। इसी लड़की ने आपकी जान बचाई। टिल्लू बेटा, मेरी आंख में चश्मा लगा है क्या? नहीं बा। हाँ तो इसका मतलब मुझे दिखता है नहीं? अरे मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने पूजा का थाल लेके आई रही थी और सारा सामान गिर गया। बा, क्षमा कीजिए बा, आपको बचाना अधिक आवश्यक था बा, इसीलिए। हाँ वो तो है, चल मैं सब समेटती हूँ और तू भी अपना सामान समेट ले। मतलब? आजा, रहने को आजा। बा, मैं आ जाऊँ ना घर पे रहने? हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा, जय श्री कृष्ण। आज अरे रे ठाकुर जी। ज-
जवानी तो जीने के लिए होती है। जान जाए आपके दुश्मनों की, अभी तो आपकी जिंदगी, यानी मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। दो दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है सुलगता जिस्म, ये आवाज, ये तो जानवर बेटा। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया, क्यों? Can you tell me why? तुमने सही हद पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी, अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, मैं हमारे बीच की हर दीवार को गिरा दूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इंसानियत पर? रिलैक्स, रिपोर्ट्स मेरे पास है। डॉक्टर विदान ने आपको इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया था, आप सो गए थे। विदांत आए, उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कौन लोग हैं ये? कल्याणी की दोस्त है। इन लोगों में शादी से पहले सिंदूर के साथ होली खेलने की रस्म होती है। ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? दिमाग पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। कई बार चोट लगने की वजह से पार्शियल मेमोरी लॉस होता है, इसकी वजह से पेशेंट अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा खो देता है। हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें शान पुचकी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हमारा साथ दें तो। बोलिए क्या करना है, मैं तैयार हूँ। जवानी तो जीने के लिए होती है। जान जाए आपके दुश्मनों की, अभी तो आपकी जिंदगी, यानी मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। दो दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है सुलगता जिस्म, ये आवाज, ये तो जानवर बेटा। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया, क्यों? Can you tell me why? तुमने सही हद पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी, अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते, देखिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरफ बीच सफर, मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन।
अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन।